लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वहाँ बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। अभी नहीं, खाना खाने के बाद। माँ आज घर में अंधेरा क्यों है? क्योंकि इस बार भी तुम्हारे पिताजी ने बिजली का बिल भरने में देर कर दी। बुला लाओ उन्हें। पिताजी, पूरा दिन खटना, थक गई मैं तो काम करते करते। मुझे ये सारे बर्तन धोने पड़ेंगे, रसोई घर साफ करना पड़ेगा। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? नौकर क्यों नहीं रख लेती? हाँ हाँ, पेड़ पर उठ गए ना नौकर जो गए और तोड़ लाए। कहना बहुत आसान है, खटना तो मुझे ही पड़ेगा ना। भगवान के लिए उसे बंद कीजिएगा, वैसे ही मेरा सर फटा जा रहा है। कल दर्जी से इसके कपड़े लाने होंगे और फिर पनीर की दुकान से राशन भी लाना होगा। लीजिए, आप ही परोस लीजिए। पिताजी, माँ को क्या हुआ है? आजकल वो मेरे साथ खेलती नहीं, बहुत गुस्सा करती है। क्यों? नहीं लीला, माँ को बहुत काम रहता है, खाना पकाना पड़ता है, सारे घर की देखभाल करनी पड़ती है। वो तुम्हारे साथ कल खेलेगी। हाँ हाँ, हाँ कल खेलूंगी। सामान लाने कौन जाएगा बाजार? मैं चला जाऊंगा। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? बिजली आ गई, बिजली आ गई। लीला, नाराज क्यों होती हो? अरे नाराज होती हो का मतलब क्या है? सारा दिन इसकी टैटे सुनो, नौकर लाकर दीजिए मुझे, तब देखिए कैसे मैं महारानी जैसे बैठी रहूंगी। पिताजी, बहुत मजा आया, आज से हम रोज मार्केट चलेंगे, है ना? रोज नहीं, रोज रोज थोड़े जाते हैं। नमस्ते साहब, मेरा नाम सिद्धा है साहब। आपको घर के काम के लिए कोई नौकर चाहिए? नौकर? हाँ हाँ, रुको मैं इससे पूछता हूँ। कमला, कमला जरा देखो तो, कोई आदमी आया है घर के काम के लिए। लगता तो ठीक है, कम से कम साफ सुथरा तो है। इससे पहले कहाँ काम करते थे? उधर बंगले में डॉक्टर साहब के यहाँ। क्या नाम है डॉक्टर का? नाम नाम तो नहीं मालूम, यही मार्केट के पास रहते हैं। वो नौकरी क्यों छोड़ दी तुमने? दो रोज हुए वो लोग गांव छोड़कर चले गए, अब मेरे पास कोई काम नहीं है माँ जी। वही जवाब। क्या क्या काम कर लेते हो? आप जो बोलो वो, रोटी बनाना, साफ सफाई, झाड़ू बर्तन, आप जो बोलेंगे वो सब। माँ मुझे बहुत पसंद है, इसे जाने मत दो, इसे यहीं रख लो ना। लीला हमें इसका रख लो ना। ठीक है, दो वक्त का खाना, साल को दो जोड़ी कपड़े और महीने के 4 रुपए मिलेंगे। हफ्ता भर रख के देखेंगे, अगर ठीक से काम किया तो। मैं ठीक तरह से काम करूंगा माँ जी। ठीक है, फिर आज से ही काम शुरू कर दो। अच्छा चलो कमला। ये लो, पहले आंगन भर में झाड़ू मार के फिर अंदर आना। सीधा सीधा
झाड़ू बाद में मारना, पहले मेरे साथ बॉल बॉल खेलो, ये नया बॉल है। हे जी मां जी, साहब के नहाने की तैयारी करो, देर हो रही है उनको। अच्छा थोड़ा पीसना पड़ेगा। सब सामान लेकर आया हूं, ये रही साहब की पर्ची। सिद्धा, हमें तुम्हारा काम अच्छा लगा, अब हम तुम्हें रख लेते हैं। धन्यवाद। सिद्धा सिद्धा मेरे साथ खेलो ना। इस वक्त खेल ले दो ना, चावल चढ़ा के फिर खेलना इसके साथ तुम। अच्छा चलो। सिद्धा सिद्धा, मालूम है मैं ये बॉल उस झाड़ तक फेंक सकती हूँ? सिर्फ झाड़ तक? तुम फेंक सकते हो? अगर मैंने बॉल फेंका तो वो चांद को लगेगा। सच्ची? हाँ देखोगी, ला दो। ये बॉल ऊपर चांद पर एक थप्पा खाकर वापस आया, ये देखो चांद का निशान भी लग गया इस पर। ये तो कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हें तो फौरन देख लेना चाहिए, नहीं तो निशान सूखकर फिर चांद पर वापस उड़ जाएगा। दिख रहा है ना? दिख रहा है, पर बॉल इतनी गीली क्यों है? क्या चांद पर पानी होता है? हाँ होता है, बहुत पानी होता है, उस पानी में बहुत बड़े बड़े जहाज भी तैरते हैं। सिद्धा, उन जहाजों में कौन कौन बैठता है? चांद पे और क्या क्या होता है? भगवान होते हैं। अगर हम वो छत पर खड़े होकर अपने हाथ ऊपर करें तो हम चांद को छू सकते हैं? अभी नहीं, पूनम की रात को। पूनम की रात पेड़ पर चढ़कर छू लेता हूँ चांद को। चांद तुम्हें जानता है? क्यों नहीं, बहुत पुराना दोस्त है मेरा। तुम उसको कोई काम बोलोगे वो कर लेगा? जरूर करेगा। तो उसको कोई काम बोलो ना। तुम्हें यहाँ से मेरा दोस्त दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, मुझे तुम्हारा दोस्त दिखाई दे रहा है। अब आंखें बंद कर लो। ए चांद, चलो हमारे साथ, चलो आओ। उठा, अब आंखें खोलो। अगर नहीं लिख पाओगे तो मैं होमवर्क दूंगी तुम्हें, फिर माँ गुस्सा होंगी क्योंकि तुम घर का काम नहीं कर पाओगे, समझे? समझ गया, मर के। अरे लिख लिया कि नहीं? लिख लिया। देखूं तो कैसे लिखा है? ये कोई तरीका है भी लिखने का? देखो मैंने कैसे लिखा है। बी का मतलब क्या होता है पता है? बुद्धू, सिद्धा बुद्धू है। अब ये बी मुझे 10 बार लिख के बताओ। 10 बार? हाँ। माँ तुम्हें खाने के लिए बुला रही है, जाओ जाओ जाओ। सिद्धा, होगा चांद तुम्हारा दोस्त, पर तुम्हें तो बी भी लिखने नहीं आता।
माँ पता है सिद्धा चांद को जानता है, कहता है कि चांद मेरा दोस्त है। अच्छा तुम्हारा ये सिद्धा बहुत कुछ जानता है। कुछ नहीं जानता, ABCD भी नहीं जानता, अब सिखा रही हूँ उसे। चलो सो जाओ। माँ सिद्धा से कहो ना मुझे कहानी सुनाए। इस वक्त? हाँ माँ कहो ना। नहीं सो जाओ। माँ कहो ना उसे कहानी सुनाए। कमला इतना जिद कर रही है, सुनाने दो ना उसे कहानी। सिद्धा सिद्धा देखो एक ही कहानी सुननी है, जल्दी सो जाना। हाँ माँ जी। जरा इसे कहानी सुना के सुला दो। आ रहे हैं ना आप? हाँ, मेरी रानी बिटिया को आज कौन सी कहानी सुना दूं? आकाश में रहने वाले देवी देवताओं की कहानी सुना दूं या जंगलों में रहने वाले बड़े बड़े जानवरों की? तुम कहो तो राजा रानी की कहानी सुना दूं, तुम्हारी जैसी एक राजकुमारी की कहानी सुना दूं या उस जादूगर की जो एक बड़े से सोने के किले में रहता है। बार कहा तुमसे इमली मत खाया करो, गला खराब हो जाएगा। सिद्धा छोड़ो उसे, बाजार से ये सामान ले आना। मैं भी जाऊं उसके साथ? जाओ जल्दी आना। सिद्धा तुम मुझे उठा लो ना, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। उठा तुम्हें। खोलो तो बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। उतरो नीचे उतरो, चल नहीं सकती तुम। सारा सामान आ गया? जी आ गया। अंदर रखो। माँ मैं और सिद्धा शाम को नदी किनारे घूमने जाएं? देखते हैं, पहले तुम मुंह हाथ धो लो। ठहरो, सोने की चेन कहाँ है तुम्हारी? हाँ कहाँ रखी तुमने? कितनी बार कहा तुमसे बाहर जाने से पहले डिब्बे में रख कर जाया करो। सिद्धा सिद्धा लीला की चेन कहाँ है? जी वो जो गले में पहनी थी सोने की चेन, वो कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं का मतलब क्या है? शायद पुलिस को पता होगा। नहीं पुलिस? देखो सिद्धा अगर ली हो तो अभी बता देना। लीला लीला सच सच बताओ सिद्धा ने ली है तुम्हारी चेन? बोलो ना सिद्धा सिद्धा, देखो अगर सच्ची तुमने। सिद्धा 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 को रखना ही बहुत बड़ी गलती थी। इंस्पेक्टर कह रहे थे कि आइंदा पुलिस स्टेशन पर पूछे बगैर नौकर मत रखा करो। हाँ वो बहुत बड़ा शातिर है, कोई 6 बार जेल जा चुका होगा। जरा जान लिया ना? मैं तो पहले ही जान गई थी, पर ये लीला नहीं मानी ना। रख लो माँ रख लो, वरना ऐसे चोर को कौन घर में रखता है। वो तो ईश्वर की कृपा हुई कि सिर्फ चेन ही गई, उसका बस चलता तो और अब उसे सिद्धा की याद आने लगी है, खाना नहीं खाती, कहती है जब सिद्धा आके कहानी सुनाएगा तब मैं सोऊंगी। खबरदार वो दिखे भी तो उसे लीला के पास जाने मत देना। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं,
घंटा भर लग रही तब कहीं जाकर सोई। देखते हैं पुलिस इंस्पेक्टर क्या कहते हैं, उन्हें तो इनके सारे अड्डों का पता है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा ही। लीला खा मैं नहीं खाऊंगी, जब तक सिद्धा नहीं आएगा मैं नहीं खाऊंगी। लीला तुम बहुत जिद्दी होती जा रही हो। तुम बहुत बुरी हो, तुमने सिद्धा को क्यों डांटा? क्योंकि उसने तुम्हारी चेन चुराई है। चुराने दो उसे मेरी चेन। मत खाओ तुम, मत खाओ। पिताजी आप तो मेरे साथ खेलिए। अभी नहीं बेटी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बाद में खेलेंगे। शिवशंकर, शिवशंकर, मिस्टर शिवशंकर। इंस्पेक्टर साहब आप आइए, अंदर आइए। शिवशंकर साहब जरा देख लीजिए, जिस आदमी ने आपके घर पर चोरी की ये वही है क्या? हे सिद्धा आ गया, सिद्धा आ गया। सिद्धा तुम इतने दिन कहाँ थे? बेटी इधर आओ, उसके पास मत जाना। क्यों नहीं जाना? मैं जाऊंगी, मैं खेलूंगी उसके साथ। वो चोर है, उसने चेन चुराई है तुम्हारी। होने दो उसे चोर, मैं नहीं चेन ले आऊंगी। लीला चुप करो। सिद्धा मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ चेन कहाँ छुपाई है? किसी को बेची हो तो बता दो। सिद्धा कि तुमने मेरी चेन चांद को तो नहीं दे दी? राक्षस, इतनी छोटी बच्ची के गले की चेन चुराते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने चेन नहीं चुराया माजे। तो फिर बिना कहे गए क्यों यहाँ से? सिद्धा तुमने चूड़ियां क्यों पहन रखी है? ओ पुलिस वाले छोड़ दो इसे, ये खेलेगा मेरे साथ। लीला हटो वहां से, बेशरम कहीं के। अरे इतने हिम्मत वाले थे तो बच्ची की चेन क्यों चुराई? किसी अपने बराबर वाले से चुराते तो पता चलता तुम्हें। कमला चलो। सिद्धा मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, तुम इनकी चेन वापस कर दोगे तो मैं तुम्हें जल्द से जल्द छोड़ दूंगा। छोड़ दीजिए ना उसे, उसने नहीं चुराई है मेरी चेन। अरे बेटी तुम्हारी गवाही के भरोसे रहे तो तुम तो हमें फंसा दोगे। मैंने कहा ना उसने मेरी चेन नहीं चुराई, नहीं चुराई। बहुत हो चुका, अब अगर तुम चुप नहीं रही तो बहुत गुस्सा आएगा मुझे तुम पर। कोई बात नहीं, लगता है आज रात पुलिस स्टेशन में इस पर थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ेगा। आप कल आके मुझसे मिलिए। जी। सिद्धा, सिद्धा मत जाओ। लीला। सिद्धा, सिद्धा, सिद्धा। क्यों जी? चेन का कुछ पता चला? नहीं, वो अब भी लॉकअप में है, कुछ भी कबूल करने से इनकार कर रहा है। इतने जिद्दी होते हैं ये लोग। जेल में रहकर और भी पक्के हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता वो कुछ भी बताएगा। जाइए कपड़े बदल कर आइए, अब कुछ दिनों तक नौकर भी नहीं मिलेगा, सब मुझे ही करना पड़ेगा। सुनिए। क्या है? लीला की चेन मिल गई। मिल गई? कहाँ? यही इमली की जाड़ी में, देखिए तो। किस्मत अच्छी है हमारी। लीला तुम्हारी सोने की चेन इमली की जाड़ी में मिली, वहां कैसे पहुंची? लाओ मुझे दो मैं पहनूंगी। नहीं तुम इसे नहीं पहनोगी। वहां कैसे पहुंची बेटी? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है? वहां कब रखी थी तुमने? उस दिन। उस दिन का मतलब क्या है बेटी? बहुत दिन पहले। आज से ये चेन कभी नहीं पहनेगी। मैंने कहा था ना कि मैंने चेन उसके हाथ में देखी थी। कब कहा था आपने? नहीं मेरा मतलब है कि किसी पर दोष लगाने से पहले अपना घर तो ठीक से ढूंढ लेना चाहिए। ढूंढा तो था। अब सिद्धा का क्या होगा? कल परसों इंस्पेक्टर को बता देते हैं। जो भी हो हम इतने बड़े नामी चोर को घर में तो नहीं रख सकते। साहब इस सिद्धा की जरा सेवा कर दे। जो भाई सिद्धा। मैंने कुछ चुराया नहीं साहब, चोरी नहीं की मैंने। झूठ बोलता है। एक सिद्धा सच सच बता दे, वो चेन तूने कहाँ छिपा के रखी है? बोर
वैसे ही रात काफी हो चुकी है, मैं थक गया हूँ। उस पर आज मेरे भांजे का नामकरण भी है, घर जल्दी जाना है। बता देना कहाँ रखी है चेन। बता दे कहाँ रखी है चेन। मुझे कुछ पता नहीं सर, मैं कसम का कहता हूँ मैं चोरी नहीं की। कसम खाता है, बोल चेन कहाँ रखी है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं चोर रही हूँ। हाँ तू ऐसे नहीं मानेगा वेंकट राम। साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कहता मैंने चोरी। Ta na 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 na